ये सब क्वेश्चन इज एक्सप्रेस साइन एक्स एज कोसाइन सीरीज, मतलब हमने कोसाइन सीरीज में क्वेश्चन करना है, मतलब आर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की फॉर्म में और आवर फंक्शन इज साइन एक्स, तो अवर एफ एक्स इज साइन एक्स और इसमें लेके आना है, लेकिन हमने इसको कोसाइन सीरीज में लेके आना है एंड अवर इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 1। सो कोसाइन सीरीज में यहाँ पर हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस summation going from n is equal to 1 to infinity an cos n pi x by n, but interval is from 0 to pi, this means we have only an cos nx jo humne solve kar. Now this means we will solve for a naught and a, what is a naught, 2 upon pi from 0 to pi fx dx, aur bete hamara fx kya hai, fx is sin x dx, so 2 upon pi as it is आता रहेगा और sin x की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, देन वी टेक नेगेटिव साइन कॉमन, सो दिस बिकम कॉस ऑफ x, अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस 0, व्हाट इज कॉस पाई माइनस 1 एंड कॉस 0 इज 1, सो दिस बिकम माइनस 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, एक नेगेटिव साइन लोअर लिमिट का लगे, इस कम माइनस 2, बाहर भी माइनस 2 है, तो ये क्या बन गया 4 upon pi, सो दिस इज अवर a नॉट. नेक्स्ट इज टू फॉर सॉल्व फॉर an, व्हाट इज an, 2 upon pi 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉस एन पाई एक्स बाई एल होता है बिकॉज ऑफ इंटरवल फ्रॉम 0 टू एल, सो 0 टू पाई है, तो दिस इज अवर फंक्शन इज कॉस एन एक्स डी एक्स. नेक्स्ट एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने साइन ऑफ एक्स फंक्शन, कॉस एन एक्स डी एक्स एज इट इज, नाउ टू इंटीग्रेट दीज टू फंक्शन यू नो वी रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई एंड टू डिवाइड, पर टू हमारे पास ऑलरेडी बाहर पड़ा है तो हम उसको बाहर अंदर ले आते हैं, सो दिस बिकम टू साइन ए कॉस बी. अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है टू साइन ए कॉस बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये सब क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन के लिए हमें पहले टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब ये सेपरेट फंक्शन हो गए, नाउ वी कैन इंटीग्रेट दीज टू फंक्शन. यस थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, वी टेक एक्स कॉमन, सो दिस बिकम 1 प्लस n और यहाँ पे एक्स कॉमन लिया 1 माइनस n, एंड अवर वेरिएबल इज एक्स और बाहर हमारा चल रहा है 1 upon pi. नेक्स्ट साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस n x अपॉन व्हाट इज द कांस्टेंट, वेरिएबल आपका x है तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस n, तो 1 प्लस n आ गया, सिमिलरली दूसरे में कॉस ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस n. नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्स्टिट्यूट लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 5, थोड़ा सा क्या करते हैं, दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है बाहर लिख लिया, सो रेडी फंक्शन हमारे क्या बनेंगे प्लस में. एक इसमें एक और थोड़ा सा चेंज क्या कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल इज 1 माइनस एन, तो अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ बिकॉज ऑफ कॉस इवन फंक्शन है तो वो हमारा नेगेटिव साइन कंज्यूम हो जाएगा और ये फंक्शन कितना बन गया, कॉस ऑफ एन माइनस 1 पाई और सॉरी कॉस ऑफ एन माइनस 1 एक्स अपॉन 1 माइनस. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्स्टिट्यूट लिमिट्स, फर्स्टली हमने जहाँ पे अपना एक्स है वहां पे पाई कर दिया, फिर क्या कर दिया 0, जब 0 की है लोअर लिमिट है तो नेगेटिव साइन आएगा, जब पाई की है अपर लिमिट तो एज इट इज. नाउ वी नो कॉस ऑफ पाई इज कॉस ऑफ 3 पाई, कॉस ऑफ 5 पाई ऑल आर माइनस 1 एंड कॉस ऑफ इवन पाई लाइक 2 पाई 4 पाई ऑल आर 1. नाउ हमें नहीं पता भी 1% की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 की रेस्ट टू पावर, और वो कितनी है पावर बेटे, n प्लस 1, और नीचे वाले डाउन एज इट इज, सिमिलरली यहाँ पे माइनस 1 की पावर कितनी आ गई हमारी, एन माइनस 1, बिकॉज अगर ऑड और इवन क्लियर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है, तो जो भी आपका उस कॉन्स्टेंट आ रहा है उसको हम माइनस 1 की रेस्ट बार लिख देंगे एंड 1 माइनस 1. नाउ यू नो कॉस 0 इज 1, तो 1 upon 1 upon बाहर 1 में साइन है तो वो हम अंदर ले आए, तो ये बन गया माइनस 1 upon 1 प्लस एन माइनस 1 upon 1 माइनस. नेक्स्ट क्या स्टेप है बेटे, 1 प्लस n वाली दो टर्म्स है उसको हम 1 कंबाइन कर लिए, तो 1 upon 1 प्लस n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, माइनस 1 की n माइनस 1 की 1, और यहाँ पे क्या है ओनली माइनस 1,
सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस वन की एन और माइनस वन की माइनस वन, और यहाँ पे क्या है माइनस वन। ये हमें फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ती है, बिकॉज फर्दर जो कंक्लूजन लेके आना है उसके लिए हमें इतना बड़ा रिजल्ट नहीं चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि किस टर्म को हम कलेक्ट कर सकते हैं, सो डैट हमारी इजिएस्ट जो है बाद में फैक्टर हमारा रह जाए। नाउ लेट्स, क्या है माइनस वन की वन, तो हमारा नेगेटिव साइन ही हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे चाहे माइनस वन की माइनस वन है तो भी तो हमारा नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस आ जाएगा माइनस वन के एंड माइनस वन। अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, तो वो हम एक नेगेटिव साइन बाहर है उसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सारी टर्म्स है ये प्लस में बन गई। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है, फिर बाहर इसको कॉमन निकाल दी और ये सारी टर्म्स जो है हमारी क्या बन गई बेटी, यहाँ पे पॉजिटिव बन गई और नेगेटिव साइन बाहर जो है खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों में सेम टर्म बन गई, इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, पाई पहले कॉमन है तो मेरे पास क्या रह गया, वन अपॉन वन प्लस एन, वन अपॉन वन माइनस एन रह गया। नेक्स्ट वही ले एलसीएम, दिस बिकम ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब एलसीएम लिया तो एन और एल कैंसिल, ओनली टू रह, तो टू इंटू दिस फैक्टर अपॉन क्या आ गया पाई। एंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज नॉट फॉर एन इक्वल टू वन, क्योंकि अगर यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन आ जाता है बेटे, देन दिस बिकम infinity not defined. So हम क्या कह रहे हैं, this is for n not equal to 1. Now further an की वैल्यू हम आगे अगर देख रहे हैं, yes, when we are substituting n is equal to 3, 5, 7, जब odd बन जाता है बेटे तो ये क्या बन रहा है माइनस वन प्लस वन, रिजल्ट क्या आ रहा है 0। इसमें से हमारा n 1 आ ही नहीं रहा, हमने 1 लेना ही नहीं है, क्योंकि 1 है, 3 है, 5 है, odd terms के लिए ये फैक्टर क्या बन रहा है 0 बन रहा है। Now when n is even, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस वन की अगर टू भी ले रहे हैं तो वो भी वन बन गया, वन प्लस वन टू, टू टू से क्या हो जाएगा हमारा 4, और नीचे क्या है पाई, वन माइनस एन स्क्वायर, देन एन इज इक्वल। सो हमारी ए एन की दो वैल्यूज आ गई, ऑड पे 0 है और दूसरी बार क्या आ रहा है 4 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर। यस, सो दिस इज अवर क्या है ए एन वैल्यू ऑफ ए एन, मैक्सिमम पॉसिबल अपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज, लास्ट स्टेप इज टू substitute all these values in your series, cosine series fx equal to a naught by 2 plus the summation n a a n, this is whole a n, साथ में cos nx आना ही आना है, but n हमारा क्या है even, ये हमने ध्यान रखना है, n हम यहाँ पे 1 से infinity नहीं लिखेंगे because हमारी और terms नहीं है इसमें, हमारा n सिर्फ even है। नेक्स्ट summation तो इसीलिए हम ओपन कर रहे हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया, पर यहाँ पे हमारा 4 अपॉन पाई समीशन n पर है तो 4 अपॉन पाई बाहर आ गया, समीशन में आप n को ओपन कर देते हैं और n इज इवन, सो 2 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर cos 4x अपॉन 1 माइनस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, बिकॉज n इज इवन ऑड के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे, आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, तो दिस बिकम 2 स्क्वायर माइनस 1 4 स्क्वायर और वो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाए। So this is our required cosine series, जिसमें हमने we have solved for a not n again and interval is 0 to pi, so cos n pi x by l क्या बन गया हमारा cos n x function बन गया, और हमने a not और a n की value find करके बेटे यहाँ पे क्या कर दी substitute।